हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज से हम इसकी रीडिंग यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, लाइट। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी इज ए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक यूजफुल फॉर्म है, यानी कि ये एनर्जी का ही एक रूप है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, और ये हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे घर में ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं, जैसे कि फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक आवर वर्क ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी को अपना काम जो है इजी करने के लिए, अपना वर्क जो है इजी करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज्ड टू रन पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू द रूफटॉप टैंक। देखिए, जब हम मोटर चलाते हैं, पानी की जो मोटर होती है वो नीचे से, जमीन के नीचे से पानी खींचती है, और उसका कनेक्शन कहाँ होता है, हमारी छत के ऊपर। हमारी छत के ऊपर जो हमारी टंकी लगी हुई होती है वो हमारी टंकी को भरने का कार्य करती है। ऐसा तो नहीं है कि हम बाल्टी लेकर जाएं और अपने छत में, छत के ऊपर जो टंकी है उसको भर कर आएंगे, नहीं, इससे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। तो ये जो मोटर है, ये जो पंप लगा हुआ है उसके अंदर, ये एक मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इसकी वजह से हमारा कार्य जो है वो बहुत ही इजी हो गया। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को अपना जो काम है वो इजी करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स, एयर कंडीशंस, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एट्सेट्रा। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती। तो हम सभी कार्य, सारे वर्क जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग के लिए भी यूज़ की जाती है, यानी कि लाइट जलाने के लिए। जो हमारे घरों में लाइट जलती है, और आप लोगों ने देखा भी होगा दिवाली पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है पूरे घर को लाइट करने के लिए, मतलब कि जगमगाने के लिए। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशंस। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर पर कहाँ से आती है, पावर स्टेशंस से। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स वी यूज़ ए टॉर्च टू सी एट नाइट। कभी कभी हम रात के समय में टॉर्च का भी यूज़ करते हैं। व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च द बल्ब ग्लोज। जब हम टॉर्च का जो बल्ब है, स्विच है, उसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो बल्ब है उसका वो जल जाता है। हाउ डज ए बल्ब ग्लो। जो बल्ब है ये किस प्रकार से जलता है। द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। देखिए, जो इलेक्ट्रिक जो टॉर्च होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, जिस वजह से बल्ब जो है वो जलता है। जो टॉर्च के अंदर बल्ब है वो उस इलेक्ट्रिसिटी का जो जो उसके अंदर सेल
जो सेल उसके अंदर यूज हो रहा है वो उसी की वजह से जो है टॉर्च का जो बल्ब है वो जलता है। दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। ये जो सेल है वह क्या काम करता है, वो बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उस बल्ब तक पहुंचा देता है और बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है और बल्ब क्या होता है, जल जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल आर ए कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मैनी इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा बहुत से इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक सेल से चलते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस, रिमोट, टॉयज, क्लॉक्स, कैमरास, वीडियो गेम्स एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में जो है इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने जितने भी नाम ये लिए हैं, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है जिसमें टाइम देखते हैं, रिमोट आपके घर में होगा वो भी सेल के द्वारा ही चलता है, क्लॉक यानी कि घड़ी जो वॉल क्लॉक होती है, वीडियो गेम्स एट्सेट्रा। बहुत सारी डेली यूज़ करने वाले इक्विपमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ जो है वो किया जाता है।